So you are? सर माय नेम इज आशुतोष है। सर Tell me something about yourself. आई एम फ्रॉम शिमला, हिमाचल प्रदेश। आई हैव स्टडीड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन मंडी, हिमाचल प्रदेश, एज अ बीटेक सिविल इंजीनियर। माय फादर हैज रिटायर्ड फ्रॉम एज अ जॉइंट कंट्रोलर फ्रॉम नेशनल हेल्थ मिशन, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। माय मदर इज अ हाउसवाइफ। कंप्यूटर एनवायरनमेंट में आप ब्रांच वालों को क्या सलाह देंगे कि किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट वी मस्ट नॉट फेस फाइनेंशियल मिसहैप, सो एज यू दैट फाइनेंशियल मिसहैप कैन बी अवॉइड। फिर यही कि जैसे कि हमें किसी के साथ अपना ओटीपी वन टाइम पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। हमारे पास कई डेबिट कार्ड्स होते हैं तो उसकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं, अपना पिन होता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल फिशिंग चली है, सब लोग फोन करते हैं उस पे नहीं। और हमें जैसे फ्रॉड लिंक्स आते हैं इस तरह के, जो उनकी तरफ हमें उन्हें ओपन नहीं करना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। क्या बैंक ये एडवर्टाइजमेंट निकाल सकता है, जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोन देंगे ज्यादा बिजनेस लेने के लिए? आप किसी ब्रांच के इंचार्ज बना दिए, आपने लोकल न्यूज़पेपर में निकलवा दिया भी आपकी ब्रांच जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन। सर मैंने एनबीएफसी का देखा है, जैसे बजाज फिंसर्व या ठीक किस है, बैंक का, नहीं सर। क्यों? ये तो अच्छा ही है। या आपका कोई ट्रेडर है वहां ऑटोमोबाइल का, वो सर ये आपको कह रहा है भी मैं आपके यहाँ पे भी एसपी ब्रांच, जो स्मॉल टाउनशिप है जिसकी में आपकी एक ही ब्रांच है, जी तो मैं आपकी ब्रांच के यहाँ पे दे देता हूँ कि हम एसबीआई से जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिला। क्यों? नहीं सर, सर ये वो कहता है जी सारे देने को तैयार है, मैं आपका एक 6 महीने में बहुत बड़ा बिजनेस, मतलब आपको ग्रोथ दे सकता। सर ये हमारी हमारी कस्टमर के साथ चीटिंग होगी सर, इस वो तरह का। क्यों, जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उनके बढ़ेगा नहीं। सर नहीं, पर हम कर नहीं सकते ना उसको, अवॉइड नहीं कर सकते उसके इसके ऊपर। तो कैसे देखो, जीरो जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर हम लोन देंगे तो हमारी बैंक की अर्निंग किस तरीके से होगी सर? नहीं हम ज्यादा बिजनेस भी तो मिलेगा उसका बिजनेस, इंटरेस्ट अगर हम फाइलिंग चार्जेस ले सकते हो, बाकी चार्जेस तो लेंगे यार, बाकी तो ले सकते। रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो होगा सर तो मेरे अकॉर्डिंग शायद नहीं कर सकते। सर चलिए, आपको इंजीनियरिंग में आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे? हाँ जी सर, जब हमारा जो माइनर प्रोजेक्ट था उसमें मैंने हमारे कॉलेज के जितना भी एरिया था, रूफ के एरिया कैलकुलेट किया था, और वहां पे सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की सारा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकाली थी सर। जितना हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कंजम्पशन थी उसके अकॉर्डिंग जितना हम जनरेट कर सकते थे पावर को, और कितने टाइम में हम अपना कॉलेज को इलेक्ट्रिसिटी अपने नहीं, सेल्फ कोई सस्टेन कर प्रोजेक्ट सकते। दिया था उन्होंने आपको, अकेले किया या किसी के सर अंदर? मैं और मेरा फ्रेंड था जिसने, हम दोनों ने इकट्ठे किया था सर। आपने पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यस निकाला कि इससे कितना सर, पैसा लगेगा और कितना हमारे प्रोजेक्ट हो, यस सर, तो क्या वो पॉजिटिव आ रहा था नेगेटिव था? सर वो पॉजिटिव कर सर। पॉजिटिव आ रहा था। यस सर, हम सर जितना प्लस पैसा में आ गए लगाएंगे सर। यस सर, और जितना हम पैसा बिजली से बचाएंगे यस सर, वो पॉजिटिव आ गया, यस तो फिर लगाया कॉलेज ने, सर, नहीं सर, आपके विश्वास किया नहीं, तो नहीं सर, ये भी शायद अभी उसमें प्रोजेक्ट में कहीं गलती होगी, आपको सारे नहीं सर। पैरामीटर्स आपने। सर हमने सारे पैरामीटर्स दिए थे, इवन मैं उसके लिए काफी, जैसे IIT में भी गया था टीचर से कंसल्ट करने को, तो वो भी मेरे साथ उन्होंने काफी प्रमोट किया था उस चीज को। भारत में इस वक्त कोई वीमेन चीफ मिनिस्टर है और उनका पूरा नाम क्या? यस सर है, वेस्ट बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी। उनका यस नाम सर, जी जो भारत में स्टेट लेवल पे या यूनियन लेवल पे हम कह देते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर स्टेट में बना देते हैं, यस सर, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? कहते इस तरीके से हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया यस किसी सर, को, है ना, डिप्टी डिप्टी सीएम, यस सर, सीएम जिसे कहते हैं, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कोई पोस्ट भारत के संविधान में दे रखी? ओके, जो आप इंजीनियरिंग में आपने किया, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है दैट इंटरेस्ट यू मोस्ट? सर मैं ट्रांसपोर्टेशन और की तरफ थोड़ा सा था कैसे? सर, क्योंकि प्रैक्टिकली जब से हम लाइफ शुरू हुई है तो उसके बाद जब से खुद चलने लगे हैं, तो रोड्स पे
काफी कंस्ट्रक्शन वगैरह देखी, वो फैसिनेट करती थी सर, तो उसके साथ लॉजिस्टिक्स सर का, लॉजिस्टिक्स। नो सर, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ब्रिजेस, अच्छा यस हाईवेज, ओके। यस सर। कई दफा हम देखते हैं जी, कोई रोड बना दी, जी सर, वो जल्दी टूट गई, यस सर, उसकी करप्शन रीजन होता है, या मटेरियल में कोई गड़बड़ है, या प्लानिंग में नुक्स है, क्या क्या होगा? सर प्लानिंग में तो नुक्स नहीं होता सर, प्लानिंग तो क्योंकि अप्रूव होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से और उसके बाद उसके ऊपर प्रोजेक्ट शुरू होता है सारे एनएसीज के बाद। हाँ मटेरियल और करप्शन को हम ये कंसीडर कर सकते हैं सर, वो दोनों वाइस वर्सा इकट्ठे चलते हैं हैंड बाय हैंड। अगर करप्शन हुई होगी तो मटेरियल की क्वालिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज करनी पड़ेगी फॉर मोर प्रॉफिट सर, ऐसा होता है, वो एक कारण रहता है सर। बाकी क्लाइमेटिक भी फैक्टर्स रहते हैं कई बार, कि हमने बहुत अच्छा रोड बनाया फिर भी वहाँ पे थोड़ा सा जैसे इस बार ही हुआ काफी हैवी रेनफॉल्स हुई तो रोड खराब हो सकते हैं सर, जैसे वाटर लॉगिंग इन तरह की इश्यूज की वजह से। नेचुरल रीजन की। यस सर तो आपने इंजीनियरिंग किया और आपका जो इंटरेस्ट है रोड डेवलपमेंट यस या रोड मेकिंग की तरफ है, तो यस सर आप इसी को अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बनाते हो? व्हाई डोंट यू ज्वाइन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यस सर एंड रोड डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करें और रोड्स बनाएं आगे और वो सर, करें। एज आई टोल्ड मेरे फादर भी गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं, तो मेरा पहले से ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जॉब करने का पहले से था, पर हुआ यूं कि अभी थोड़ी सी ये क्या पक्का यूजुअल होता है कि अगर फादर गवर्नमेंट से हैं तो नो बेटर? सर सर मैं उनको देखे काफी एज ए आइडल, उनको आइडलाइज करता हूँ तो मैं उनसे इंस्पायर काफी हुआ है। इट मीन दिस इज नॉट योर कॉन्शियस डिसीजन टू ज्वाइन बैंक। नो सर फिर उस टाइम से ऐसा हुआ कि हमारे जैसे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज डिक्रीज हो गई, साथ में आया ज्वाइंट एज ए टेक्निकल ऑफिसर इन एच एल एल आई केयर सर, वहाँ पे मैं जो काम देखता हूँ मैक्सिमम मैनेजमेंट का है। यस सर अच्छा लेटेस्ट लाइफ केयर लिमिटेड सर। सर, यस सर तो सारा का जो काम है वो मैनेजमेंट का है सर। मैं इंस्पायर हुआ, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी बैंक में थे, मैंने देखा मुझे काम में इंटरेस्ट भी आया सर, और जितने मेरा स्किल सेट है जैसे मैं कॉलेज में भी काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में था, तो मुझे लगा कि मेरे लिए ये फील्ड काफ़ी सूटेबल रहेगी एज ए पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों में सर। चलिए। ये तो आपने हिमाचल के एसडीओ के लिए, जेई के लिए नहीं अप्लाई किया? सर मैं एज टोल्ड की वैकेंसीज काफ़ी श्रिंक करती है सर। तो अभी तो आ रही है तो सर दो बिल्कुल सर, दो दो तीन तीन वीकेंड सर वैकेंसी सफिशिएंट नहीं आपके लिए? कंपटीशन के अकॉर्डिंग इसका मतलब आप कंपटीशन फेस नहीं करना सर चाहते? किया सर मैंने, क्यों नहीं हो पाया सर? तो इसका मतलब ये है जो आपका बैंकिंग है ये आपकी सेकंड चॉइस नहीं है? सर सेकंड चॉइस नहीं है सर, पर ये था कि मेरा इंटरेस्ट स्किल सेट इस तरह से डेवलप हो गया कि मेरा बैंकिंग की तरफ से ज्यादा इंटरेस्ट। अब आप सिविल का भी एग्जाम आएगा तो भरेंगे? सर मैंने नहीं भरे सर, अभी लास्ट ईयर भी मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया सर। तो आप कंपटीशन से नहीं मतलब सर फेस नहीं कर नहीं सर, मैं 2 सालों से बैंक की तैयारी कर रहा हूँ डेडिकेटेडली सर, मैंने पिछली बार भी एसबीआई का मेंस लिखा था, क्यों नहीं हो पाया? इस बार लकीली हुआ है सर, तो अभी इसके लिए पाए, लकीली हुआ मतलब आपका। मैं सर मेहनत की थी, लास्ट टाइम भी की थी, उस टाइम हुआ नहीं था, इस बार ही हुआ है सर, माय तो चांस। नहीं सर मेहनत करके ही दिया था पेपर तो जी। तो बैंकिंग में क्या आपका जो स्किल सेट है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, हाउ विल कैन बी एक्सट्रैक्ट यस सर, दी क्वालिफिकेशन फ्रॉम दैट? सर आई वुड ऐड, आई लाइक टू ऐड कि जब मेरा फाइनल ईयर था तो आई वाज द पब्लिक रिलेशन हेड इन माय कॉलेज, तो हमारा काम था जैसे कि कोई भी इवेंट करना है उसके लिए फंड रेजर्स करने हैं, तो आई विद माय टीम, आई वाज अ लीडर एंड आई मैनेज माय टीम, वी सक्सेसफुली रेज 3 to 5 lakhs इन 15 days सर। तो मैंने देखा कि हाँ मेरी पब्लिक रिलेशंस ठीक है, मैं बात कर सकता हूँ अपने कस्टमर्स के साथ भी, और हाई रेट जैसे बैंकिंग का काम सिर्फ कस्टमर्स के साथ नहीं है, अपने इंस्टीट्यूशंस भी हैं उनके भी बैंक अकाउंट्स खोलने होते हैं, लोन्स देने होते हैं, तो उसको कन्विंस करने के लिए सर मैं आपको सुटेबल बनाता तो आप फिर प्राइवेट बैंक में भी नहीं रहते हो अगर इतनी अच्छी स्किल्स हैं आपकी? सर। जैसे मैंने बताया कि फादर गवर्नमेंट में थे तो मेरा इंटरेस्ट गवर्नमेंट में ही है सर। ऐसा गवर्नमेंट में क्या है जिससे कि आपका इंटरेस्ट बन गया इसमें? सर मेरे मैं जैसे बताया कि आइडियलाइज करता हूँ उनको, मैंने देखा किस तरह की वर्किंग होती है, क्या इसका टाइम मतलब होता है, आपने प्राइवेट फैमिली बंदे को नहीं देखा शायद? सर मैंने देखा है सर, मैंने देखा है सर, पर फिर भी मेरा थोड़ा सा जो यहाँ डेविलियन प्राइवेट वाले लोग अच्छे नहीं होते, पर्सनैलिटी नहीं होते, सर फिर एकदम बहुत अच्छे होते हैं सर, ऐसा नहीं है क्या फर्क है एक प्राइवेट एम्प्लॉय में और गवर्नमेंट में?
जिससे कि आप अट्रैक्ट हो गए अपने फादर को देख के। यस सर। सर जिस तरह का उनका वर्क लाइफ बैलेंस था और फैमिली की तरफ और बाकी लोगों के साथ भी उनका मिलना था और गवर्नमेंट के साथ मतलब आप भी, फैमिली को टाइम देने के लिए आप एसबीआई में ज्वाइन करना चाहते हो कि आप फैमिली को टाइम भी दे सकें? सर ऐसा आप बोल भी सकते हैं सर कि लॉन्ग टर्म में वर्क लाइफ बैलेंस सर मस्ट है, जैसे एज बढ़ती है तो वर्क लाइफ बट हम तो बैलेंस। चाहते हैं कि आप डेडिकेटेडली बैंक के लिए काम सर मैं करें। डेडिकेटेडली बैंक के लिए काम करूंगा, पर हाँ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को। अभी जब ईयर एंड होता है तो आपको आपकी वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब होती है, 12 बजे बज जाते हैं बैंक, यस सर, उसके आप रेडी? यस सर, जो मेरा भी एक्सपीरियंस है पर्सनल जो भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब का, तो ये सब एक्सपीरियंस मैंने ले लिया है ऐसे कि कितना टाइम तो होता उसको है। तो अवॉइड करने के लिए आप इधर आ रहे हो, नहीं अगर इधर सर, भी वैसे होगा तो फिर आप इधर से कहाँ जाते? अवॉइड करने के लिए नहीं आ रहा, वहां पे थोड़ी ग्रोथ नहीं थी मेरी, इसलिए सर मैं इसको स्विच कर रहा हूँ। थैंक ठीक है आशुतोष, ठीक है। यू सर, वेलकम। पहले तो 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस है, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई दे नहीं सकता। सर ऐसा मैं नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा आरबीआई ने मना किया हो, कोई बैंक ये क्लेम ही नहीं कर सकता हम 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे, ठीक है? क्योंकि इससे दूसरे तरीकों से बैंक चार्ज लगा लेता है, अपने हाई चार्जेस कर लेता है और मेन ट्रांसपेरेंसी नहीं करती, ठीक है? ये क्वेश्चन आप करें। और ये सारा बैंकिंग सिस्टम जो इसको फॉलो करना शुरू करेगा तो सारा बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स हो सकता है। ये नहीं, ठीक है ना मान लो बाकी कॉम्पिटिटर्स भी ऐसे करने लगे, आपस में कंपटीशन शुरू हो गया ना, फिर जी। तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, सारे बैंकिंग बैंक्स को सबको लॉस होना शुरू हो जाएगा, फिर सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा, आरबीआई के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे करते नहीं है। एक जो आपने प्रोजेक्ट बताया कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया, उसे अच्छे से और देख, कई दफा इस पे बहुत बात जाती है, ठीक है? एक बारी बारी नहीं, ये कहना भी गवर्नमेंट सर्विस, ये थोड़ा सा काम कर वीक होगी अपने इंटरव्यू, मतलब पेरेंट्स ने कहा नहीं, आपने कहा भी खुद मैं डिसीजन लिया भी मैं इसमें अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ एज ए बैंकर। एसबीआई का तो आपने जिक्र ही नहीं किया कहीं पे भी। एसबीआई इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है यार, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, फॉर्च्यून 500 कंपनी में आता है, और ये इतनी अच्छी इनके डिपॉजिट्स हैं, इतना अच्छा ग्रोथ रेट है, और सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, इतनी सारी ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑफशोर ब्रांचेज हैं ऑल ओवर, अब्रॉड भी हैं उनकी ब्रांचेज। ठीक है, तो इतना ज्यादा प्राइजेस, उसको अवार्ड्स मिलते रहते हैं हर साल। ठीक है, इतने सारे कस्टमर्स को डील करता है, इफेक्टिवली डील करता है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, तो ये तो बताया नहीं आपने, तो आप तो सीधा पूरे गवर्नमेंट के ऊपर ही ये रहिएगा। ना एसबीआई एक पेरेंट्स का नहीं के बिगड़ा, ऑर्गेनाइजेशन का भी बात करें ना कुछ तो। ठीक है, तो एसबीआई के बारे में पढ़े हैं, उसके बारे में और बात करें आप। ओके सर, दिस इज नॉट ओनली गवर्नमेंट सेक्टर यार, एसबीआई एक ब्रांड ही सफिशियंट है, गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है इसको, गवर्नमेंट जॉब की। एसबीआई वैसे भी अगर गवर्नमेंट सर्विस ना भी होती तो एसबीआई का नाम इतना बड़ा है, सबसे बड़ा बैंक है, तो वह वैसे ही जाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं ना लोग तो। ठीक है, तो उसके बारे में और बात करें अपने। और सिविल इंजीनियरिंग से आपको क्या मदद मिलेगी यहाँ पर, आपका कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आप दोबारा देख लें इसे तैयार इसमें के थोड़ा सा फोन गाइड कर जैसे सिविल इंजीनियरिंग में हमेशा प्लानिंग करनी पड़ती है पहले, जी। प्लानिंग करनी पड़ती है, उसी तरह से यहाँ पे जो भी जॉब होगी सर, मैं पहले प्लान करूंगा उसके बाद एग्जीक्यूशन करूंगा। ठीक है, और एग्जीक्यूशन वहां पर मैंने टीम स्किल्स सीखी है, जो टीम स्किल्स का इस्तेमाल मैं यहाँ भी, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट्स में भी सर मेरे बाकी कोलीग्स भी थे जिनके साथ मदद से मैंने प्रोजेक्ट को हैंडल किया पूरा, तो एक टीम वर्क होता है सर, यहाँ भी एक बैंक में एक टीम वर्क होगा, जिन स्किल्स से मैं आगे मूव कर सकता हूँ सर, और यहाँ प्रॉपर प्लानिंग से एग्जीक्यूशन करेंगे उस तरीके से हम काम और करेंगे। सबसे ज्यादा आप सिविल इंजीनियरिंग का जो व्यक्ति है, होम लोन की एप्लीकेशन बड़े अच्छे से आप अप्रेज कर सकते हैं, फिर आपके एसेट है ये पता है। चलो थैंक यू, ठीक है, नेक्स्ट फोन है और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो भी होंगे उसको भी आप अच्छे से डील कर सकते हैं उनका। इंफ्रास्ट्रक्चर का कर सकते हाँ हैं, ना, ठीक है जी। और आपने सिविल इंजीनियरिंग में सबसे अच्छी जो मेन चीज सिखाते हैं वो आप सिखाते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज, सर तो यहाँ पर भी ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप करेंगे कि जितने रिसोर्सेज मेरे पास हैं उससे मदद से मैं कैसे आउटपुट निकाल सकता हूँ, तो वो चीजें आप बताए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको, देखो फर्स्ट इंटरव्यू है तो वी कैन पार्डन योर फुल नहीं थिंकिंग, नहीं बट फिर कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी है मैं ठीक है, तो बिल्कुल बाकी आप करूँगा। इनको इम्प्रूवमेंट करो और अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।